When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can surrender to you. Take me in your arms and hold me. 바람이 불어온 그 밤에 꺼진 दोस्तों, सच्चाई और अच्छाई की तलाश में चाहे हम पूरी दुनिया ही घूम लें, लेकिन अगर हमारे अंदर ही नहीं है तो फिर हमें वो कभी भी कहीं भी नहीं मिलेगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की ब्लॉग होने वाली है थोड़ी सी अच्छी सी, प्यारी सी, इंटरेस्टिंग, तो हमारी ब्लॉग को जरूर एंड तक देखते रहिएगा। तो यहाँ पर हमने मंगाया है आइसक्रीम, और यहाँ पर मैंने आइसक्रीम को पॉलीथीन से निकाल के एक थाली में डाल दिया है, और इसे मैं अभी फ्रीजर पे रख दूंगी। फ्रेंड्स, हम कभी कभी क्या करते हैं ना, जो सब्जियां आती है उसे हम ऐसे ही पॉलीथीन में डाल के फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। जब मैं जमशेदपुर में थी तो मैं हमेशा यही करती थी कि मैं उसे धो के अच्छे से पॉलीथीन से निकाल के सुखा के फिर मैं उसे फ्रिज पर डालती थी, लेकिन यहाँ पर बीच में थोड़ा सा ज़्यादा सब्जी आ गया था तो मैंने ऐसे ही फ्रिज में रख दिया था। तो यहाँ पर फ्रिज के अंदर में मुझे एक रेंगते हुए कीड़ा दिखाई दिया, तो मैंने जल्दी से उसको हटाया, फ्रिज को अच्छे से साफ़ किया है, बिल्कुल अच्छी तरीके से मैंने उसको साफ़ किया है गीले कपड़े से, और उसके बाद ही मैं सारे सब्जियों को अच्छी तरीके से चेक करके फिर मैं पॉलीथीन में डाल के रखूँगी। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारी सब्जियां जब आ जाती है, ज़्यादा हो जाता है, तो फिर धो के रखने का जगह नहीं होता है, इसीलिए ही मैं ऐसे ही पॉलीथीन पर डाल के उसको नीचे सब्जी वाले केस पर रख देती हूँ। लेकिन क्या करें, अब कोई ऑप्शन भी नहीं होता है हमारे पास। वहाँ जमशेदपुर में रहती थी तो थोड़ा थोड़ा ही मैं लेके आती थी, कभी दो डेली तो निकलना होता था, तो हर एक दो दिन पे मैं लेके आ जाती थी, तो कोई भी दिक्कत नहीं होता है। मैंने सोचा कि आज मैं फ्रिज की थोड़ी बहुत सफाई कर ही रही हूँ, तो इन सारे मेट को भी निकाल के अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो मैंने सारे मेट को क्लीन भी कर दिया था, धूप में भी डाल दिया था, और वो जल्दी से सूख गया, तो मैंने उसको अच्छी तरीके से सेट करके लगा दिया है। इस तरीके की मेट जो है ये हमें ऑनलाइन आराम से मिल जाता है, कम प्राइस पे ही मिल जाता है, और ये अच्छी भी होती है। इसको लगा के अगर हम रखेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होता। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, बर्तन सब में नीचे सब्जी वगैरह लगा रहता है तो वो डायरेक्ट फ्रिज पे आपका लगने लगता है, तो इसलिए अगर आप इस तरीके की मेट बिछा के रखेंगे तो आप डायरेक्ट उस मेट को निकाल के उसको धो सकते हैं। तो बस इस तरीके से मैंने फटाफट से अपने फ्रिज की सफाई कर ली है, और बीच बीच में करते भी रहना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि फ्रिज एक ऐसा चीज़ है जिसके अंदर ठंडा तो रहता है, और हम लोग अपना खाना पीना भी सब कुछ उसी के अंदर में ही रखते हैं। अगर अच्छी तरीके से साफ़ सफाई नहीं करेंगे तो वो खाना ख़राब भी हो सकता है, और उसमें छोटे छोटे, जिस तरीके से आपने कीड़ा देखा यहाँ पर सब्जी वगैरह से निकला हुआ था, तो वैसे निकलने भी चालू हो जाएंगे और खाने पर जाके बैठ जाएंगे। तो बस इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम अपने घर को साफ़ सफाई से रखते हैं, फ्रिज को भी अगर साफ़ सफाई से रखेंगे ना, तो फिर सब कुछ अच्छा रहेगा। क्योंकि हमारा पेट से ही बीमारी होती है, यानी कि अगर आप पेट के अंदर, मुँह के अंदर अच्छी चीज़ें डालेंगे, साफ़ सफाई वाली चीज़ डालेंगे, तो आपको कभी भी कोई भी बीमारी नहीं होगी। और ऐसे भी अभी गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, और जल्दी जल्दी ख़राब भी हो जा रही है चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा चीज़ ला के भी नहीं रखना चाहिए। पॉलीथीन सबका मुंह मैंने थोड़ा थोड़ा सा खोल दिया है, क्योंकि अगर उसको अच्छी तरीके से टाइट करके मैं बांध के रखूँगी ना, तो फिर फ्रिज के अंदर सब कुछ ख़राब होने लगेगा। तो बस इस तरीके से मैंने अपने फ्रिज को अच्छी तरीके से सेट कर लिया है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि अपने फ्रिज की डीप क्लीन करते हैं बीच बीच में, मुझे आप ज़रूर बताना। फिर मैंने सुबह ही ढेर सारे कपड़े धोए हुए थे, तो ये सारे कपड़े सूख गए, इतनी ज़्यादा धूप है तो कपड़े सूखने में टाइम नहीं लगता, इन सारे कपड़ों को मैं रख दे रही हूँ। बाकी फिर बेडशीट वगैरह मैंने धोया था, तो जल्दी से जाके मैं उसे भी धूप में डाल देती हूँ, ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है। मशीन में मैंने धोया है तो लगभग वहाँ पे मैंने उसको ड्राई भी कर दिया था, तो 10-15 मिनट में अच्छी तरीके से सूख जाती है। बहुत ही ज़्यादा कड़ा धूप है, बहुत ज़्यादा, मतलब मन भी नहीं करता है छत में जाके कपड़ा वगैरह डालने का, लेकिन आज ज़्यादा कपड़ा था इसलिए मैं डाल रही हूँ। ऐसे दिन में मैं क्या करती हूँ ना, चेयर पर रख देती हूँ, 4 बजे के बाद फिर डालती हूँ। फिर मैं किचन में लग गई थी खाना बनाने के लिए, क्योंकि आज
पार्थव का बर्थडे, तो मैंने आज छोले भटूरे बनाया था, बहुत ही प्यारी सी बनी थी और एकदम भी हार्ड नहीं बना था, जो खिंचाता है ना भटूरे वैसा बिल्कुल भी नहीं था, बहुत अच्छा बना था। तो बस वो सब खाना पीना बन के तैयार हो गया था, फिर मैंने कुछ भी ब्लॉग वगैरह शूट नहीं किया था, लगभग 4-5 बजे के आसपास यहाँ पे आ गया अथर्व की केक। और आपने कौन सा ऐसा बच्चा देखा है जो कि पिजन केक ऑर्डर करता है? अथर्व ने अपने लिए पिजन केक ऑर्डर किया, अथर्व बैलून सबको फुला रहा है। यहाँ पे अथर्व के बर्थडे के लिए हमने अच्छी तरीके से सजा दिया है रूम को, और यहाँ पे अभी अथर्व केक कट कर लेगा न्यू ड्रेस पहन के। जल्दी जल्दी यहाँ पे केक कटिंग हो जाएगी, फिर हम लोग खा लेंगे केक। और अच्छी थी केक, अच्छी थी पिजन। उसको क्या हुआ था ना, अभी कुछ दिन पहले नीचे फ्लोर पे जो रहते हैं फैमिली, उनके बेटे का बर्थडे था, तो पिजन उन्होंने कोई मैजिशियन बुलाया था, तो वो एक पिजन निकाल के दिया और सारे बच्चों को टच करवाया पिजन को। अथर्व पीछे बैठा हुआ था तो वो टच नहीं कर पाया। उस दिन से उसके माइंड में है कि मुझे जिंदा वाला पिजन चाहिए, अब मैं उसको जिंदा वाला पिजन कहाँ से ला के दूँ? तो हमने सोचा कि उसको केक में ही पिजन वाला केक बना के दे देते हैं, तो थोड़ा सा तो मन उसका बहल ही जाएगा। तो हमने इसीलिए उसके लिए पिजन वाला केक ऑर्डर किया। और आज जब मैं स्कूल गई थी, स्कूल क्यों गई थी, क्योंकि स्विमिंग में मैंने उसको एडमिशन करवाया है स्कूल में, तो इसलिए स्कूल गई थी। वहाँ पे मैंने एक पिजन देखा था जिसको सारे बच्चे जाके टच कर रहे थे, अथर्व उस टाइम पूल के अंदर में था तो इसलिए वो टच नहीं कर पाया। मेरा बहुत मन कर रहा था कि उसको एक बार बुलाऊँ और उसके बाद फिर मैं टच करवाऊँ। तो अथर्व की बर्थडे यहाँ पर सेलिब्रेट हो चुकी है, मैंने भी केक खा लिया है। अब मैं क्या करूँगी कि केक को कट करके सबको प्लेट में निकाल के दे दूंगी। अथर्व तो ऐसे ही पकड़ के खा लिया है, बाकी जो बचेगा उसको हम रख देंगे। तो अथर्व को मिला है गिटार, क्योंकि उसको बहुत शौक़ लग रहा था अभी गिटार बजाने का। तो यहाँ पे केक की कटिंग मैं जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ, दो प्लेट पे मैंने निकाल के दोनों को दे दिया है, और बाकी फिर हम लोग बाद में खा लेंगे, क्योंकि अभी तो उतना मन नहीं कर रहा है। कल हम लोग आराम से माँ बेटा मिल के खाएँगे, केक को एंजॉय करेंगे। केक अच्छी थी, टेस्टी भी बनी हुई थी। तो बस जल्दी जल्दी केक कट करके हम लोग निकलेंगे, ऐसे भी लेट हो चुका है, लगभग 8 बज चुका है। तो जल्दी से निकलेंगे तो हम लोग जल्दी जल्दी घर भी आ जाएंगे। फिर मैं आप सभी को एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ भी दिखाने वाली हूँ, क्या दिखाऊंगी इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो केक बस यहाँ पे अच्छी तरीके से बड़े बड़े पीसेस कट हो गया, फिर हम लोग यहाँ पे आए हैं पिज्जा खाने के लिए। तो बस जल्दी से हम लोग पिज्जा विज्जा खा लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं, फिर हम लोग निकल के चलेंगे घर। यहाँ पे एक नया पिज्जा का यहाँ पे खुला हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा है। जैसे क्या होता है ना, डोमिनोज़ वगैरह में हम लोग खाते हैं तो बिल्कुल भी साइड सब टाइट लगता है और उतना टेस्टी नहीं लगता, खाने के बाद ना बहुत ज़्यादा हेवी फील होता है, तो फिर वो उतना अच्छा मुझे नहीं लगता है। यहाँ पे अच्छी भी थी, तो हमने यहाँ पे पिज्जा वगैरह सब कुछ ऑर्डर किया और बस जिसको जो खाना था हम सभी ने ऑर्डर किया। फिर हम लोग घर आ गए, और घर आने के बाद आज जो ट्रेंडिंग पे अभी चला हुआ है जो आइस फेसियल होता है वो मैंने किया है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम भी बचा हुआ था, 10:30 तक हम लोग आ गए थे। तो मैंने क्या किया, पहले ही फ्रीजर में मैंने जमा कर दिया था पानी और आइस, तो बस मैं उसमें अभी आइस फेसियल कर रही हूँ। इससे आपकी स्किन बहुत अच्छी तरीके से टाइट रहती है, हमें थोड़ी देर तक इस तरीके से डुबा के इसको रखना है अपने फेस को। तो ये देखिए कितनी अच्छी ग्लो फेस में, और बहुत ही अच्छा रहता है, स्किन टाइट करने में भी ये बहुत फ़ायदा करता है। फिर मैंने वीडियो नहीं शूट किया, नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो गई और अभी हम लोग निकल गए हैं माँ बेटा दोनों अथर्व के स्कूल, क्योंकि मैंने उसको एडमिशन करवाया है स्विमिंग पे, मेरा बहुत मन था, तो बस स्विमिंग क्लास हम लोग जा रहे हैं, 1 घंटे की होती है, तो जल्दी से लेके जाऊंगी और साथ में ही हम लोग आ जाते हैं। धूप देख रहे हैं ना कितना ज़्यादा कड़ा हो गया है, सुबह सुबह इतनी कड़ी धूप है, कल रात में थोड़ी बहुत हवा भी चला था तो पत्ते वगैरह भी रोड में गिरे हुए हैं। तो अथर्व के स्कूल हम लोग पहुँच गए हैं, जल्दी से ही यहाँ पे वो स्विम करने जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो फर्स्ट में इधर साइड में बैठा हुआ है, अथर्व बैठा हुआ है इस तरीके से कर रहा है। अभी तो स्टार्टिंग है, फिर मैंने कुछ वीडियो वगैरह नहीं बनाया था ज़्यादा कुछ, तो बस स्विमिंग करके फिर हम लोग जल्दी से घर चल जाएंगे। तो दोस्तों हमारी ब्लॉग कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। फ्रेंड्स ऑल बटन प्रेस कीजिएगा ताकि जैसे ही ब्लॉग अपलोड होगी नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलेगा। मिलूंगी जल्दी ही नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।